संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थानसर अहम श्रीमती ज्योति पाठक प्राध्यापिका राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोहनपुरा जयपुर तकता स्वागत करोमी अद वो पुस्तकस्य द्वितीय भागे मेघदूता श्लोक संख्या एककोनिशा अवधान शुणो नवशतिश्लोक वीचिक्षोभस्तनतविहगश्रेणिकाञ्चिगुणायाः संसर्पन्त्या स्खलितसुभगं दर्शितावर्तनाभेः निर्विन्ध्यायाः पथिभवरसाभ्यन्तरः सन्निपतयः स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु पुनः शृणोतु वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चिगुणायाः संसर्पन्त्या स्खलित सोभगम दर्शिता वर्तनाभे निर्विंध्यायाह पथिभव रसाभ्यंतर सन्निपत्य स्त्रीणामाद्यं प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रसंगापश्यतु मेघस्य उज्जयिनी गमनावसरे निर्विंध्याया औत्सुक्यम अवलोक्य तस्याः रसास्वादयितुम प्रार्थिते यक्षमुखात कवित्कामिनी विलासो महाकवि काली दासह मेघ के उज्ज्वली गमन अवसर पर निर्विंध्या का जो है उसको देखकर उसका रसास्वादन की प्रार्थना की जा रही है। अनुवायह वीचिक शोभस तनित विहग श्रेणि कांची गुणाया इस सुभगम स्वभागम संसर्पंत्या दर्शिता वर्तनाभे दर्शित आवर्तनाभे निर्विंध्याया पति सनेपत्य रसाभ्यंतरह भव ही स्त्रीणाम प्रियशो विब्रमा आद्यम प्रणयवचनम् भो अधुना व्याख्यायां पर्यायपदानी सरलार्थम पश्यामः विचिक्षोभ स्तनित विभाग श्रेणीकांचि गुणायाः तरंग चलन मुखर पंक्ति मेखलाया कि जो तरंगों के कारण मुखर पंक्ष पक्षियों का पंछियों की पंक्तिबद्ध जो है करधनी की लड़ियों वाली जो तरंग थी मुखर जो बोल रही थी स्तनित मुखर हो रहा होना बोलना विहग श्रेणी पंक्ति पक्षियों की पंक्ति कांची गुणा करधनी की लड़ी संसर पंत्या प्रहंत्या अर्थात बहती हुई स्खलित सुभगम स्खलन सुंदरम के लड़खराने के कारण जो सुंदरता पूर्वक उसकी चाल है वह दर्शिता वर्तनाभे अर्थात प्रकटित जल भ्रम रूपी नाभे जो भवरूपी नाभी को दिखलाती हुई जो जल में जल में भ्रमर सा होता है ना तो नाभी के समान बीच में उसमें नाभी के समान उसकी जो है आकृति दिखती है तो इसलिए भवरूपी नाभी को दिखलाती हुई निर्विन्ध्याया नद्या नदी का नाम है निर्विंध्या नदी पथि अर्थात मार्गे मार्ग में सन्निपत्य संगत्य पढ़ करके रसाभ्यंतर अर्थात जलाभ्यंतर अपने अंदर जल धारण करने वाला भव हो जाओ बनना तुम बनना मेघ को बोल रहे हैं ही यत क्योंकि स्त्रीणाम अर्थात रमणीनाम नाम स्त्रियों का प्रियसु प्रियतमेशु, प्रियतमों के विषय में विभ्रम विलास हावभाव या विलास का प्रदर्शन करना ही आद्यम अर्थात प्रथम सबसे पहला प्रेम वाक्यं, प्रार्थना वाक्यम वा वाँव प्रीति वचन या प्रार्थनावाक्य होता है अधुना भावार्थ पश्यतु हिंदी संस्कृत भाषाया भाव यक्ष मेघम वदती यक्ष मेघ को कहते हैं यत संचलन मुख ऋता खगान माला मेखला रूपेण धारयती निर्विंध्या नदी निर्विंध्या नदी ने ऐसा महसूस हो रहा है निर्विंध्या नदी ने मुखरित जो पक्षी आसमान में जो पक्षी हैं मुखरित वे एक माला रूपी बनाकर जो चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे करधनी धारण निर्विंध्या नदी ने कर रखी है मंदम मंदम प्रवह मण जलावर्तन नाभिरपि दर्शनीय और धीरे धीरे प्रवाहित होने वाला जो जल है जो पत्थर से बार बार टकरा कर पुनः आ रहा है और वह भंवर बन रहा है वह ऐसा जलावर्तन होने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भंवर जो है वो नाभि के समान दिखने दिख रहा है दर्शनीय हो रहा है निर्विंध्या नद्या अंत प्रवेश तद रसास्वादम यतो यथोही कामिनी नाम प्रियशु विलास प्रदर्शनम एव प्रथम प्रार्थना वाक्य अर्थात निर्विंध्या अंत में जो है निर्विंध्या नदी में तुम प्रवेश करना प्रवेश करके उसका तद रसास्वादम विदेश उसका रसास्वादन करना क्यों क्योंकि जो है रमणियों का अपने प्रियतम के प्रति हाव भाव या विलास दिखाना ही प्रथम प्रेम याचना का वचन हुआ करता है यह इसका भावार्थो हुआ छंद मंदक्राता अस्त अलंकार श्लेश अत्र अलंकार अर्थंतर अमसकपद पश्य दर्शितावर्तना दर्शि आवर्त एव तस्यात्र बहुव्री ससा अस्ति प्रकृति प्रत्यय पश्च पश्यत क्षोभ क्षोभ धा घय प्रत्यय सिप तो सि अत्र अस्ति धन्यवाद पुनः मिलामा